चलिए यहाँ का अभी 3 BHK ट्विन विला चेकआउट करते हैं, जिसमें मैं आपको पूरा स्पेसिफिकेशन बताऊंगा इस विला का, साथ ही में इसके डायमेंशंस बताऊंगा और इसकी क्या खासियत है ये भी बताऊंगा। सो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके पार्किंग से, जो कि 16x16 की है, जहाँ पर आराम से आप कंफर्टेबली 2 4-व्हीलर पार्क कर सकते हो और साथ में 1 2-व्हीलर भी पार्क कर सकते हो। इसी के साथ यहाँ पर आपको एंट्रेंस पे ही नेम प्लेट के लिए उन्होंने प्रोविज़न दिया है, और जैसे ही आप आगे आते हो तो यहाँ पे एंट्रेंस दी गई है। सो अभी हम हैं ये 3 BHK के विला के एंट्रेंस पे, जहाँ पे आपको वीडियो डोर फोन दिया जाएगा और साथ ही में आपको येल कंपनी के डिजिटल लॉक प्रोवाइड किए जाएंगे। और जैसे ही आप एंटर करते हैं तो आपको लॉबी स्पेस मिलती है 5.6x5.6 की, और उसी के साथ ये ब्यूटीफुल ग्रैंड एंट्रेंस। आपको एंट्रेंस दिया गया है 22x16.1 का, काफी ब्यूटीफुली डिजाइन किया है इसे। यहाँ पे आप एक बड़ा सा टीवी लगा सकते हैं, ऐसे सोफे का अरेंजमेंट कर सकते हैं, साथ में यहाँ पे एक डेकोरेटिव जो आइटम सेट किया है उसके लिए आप, ये आप पे डिपेंड है कि आपको यहाँ पे कुछ कैबिनेट्स बनाने हैं या फिर ऐसे ही आपको कुछ स्पेस यूटिलाइज करना है डेकोरेशन के लिए। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, हम आए हैं अभी डाइनिंग स्पेस की ओर। डाइनिंग स्पेस दिया है आपको 13x10.2 का, जहाँ पे आप आराम से 4-सीटर डाइनिंग टेबल रख सकते हैं, और उसी के साथ इसे अटैच किचन, जहाँ पे आपको एल शेप प्लेटफॉर्म दिया गया है और एक ओपन किचन कंसेप्ट में यहाँ पे 2 सीटर इजीली बैठ सकते हैं। ये विला में जो भी आपको कैबिनेट्स और ये सब चीज़ें दिख रही हैं, ये कुछ भी प्रोवाइड नहीं होगा, विला विल बी बेयर शेल, आपको सब खुद ही करना पड़ेगा। हालांकि ये जो बाकी जो भी मटेरियल मैं बोल रहा हूँ, ये सब इसके साथ प्रोवाइड किया जाएगा, जैसा कि ये ग्रेनाइट हो गया, ये अपने फिनिस्टा की विंडोज़ हो गई, ये जितने भी आपको स्लाइडिंग डोर्स दिख रहे हैं ये सब मिलेगा, लेकिन इसके अलावा बाकी सब चीज़ों के लिए आपको खुद को ही स्पेंड करना पड़ेगा। लेकिन आप इसी तरह से अगर डिज़ाइन करना चाहते हैं तो वो भी प्रोविज़न बिल्डर आपको प्रोवाइड कर रहा है, आपको सेम इंटीरियर करके मिल जाएगा, बट आपको उसके लिए एडिशनल कॉस्ट देनी पड़ेगी। साथ ही में एक छोटा सा एकदम ब्यूटीफुल सा बैकयार्ड है इन्होंने दिया। अगर मैं किचन के स्पेस की बात करूं तो ये 10.7x10.7 की किचन स्पेस है। साथ ही में इन्होंने पाउडर रूम दिया है 4.8x3.6 का, यानी कि कॉमन टॉयलेट, अगर आप चेकआउट करना चाहें तो देख सकते हैं। उसी के साथ ये टेबल टॉप और एक बेसिन दिया है बाहर एज अ कॉमन यूज के लिए। अभी हम एंटर कर रहे हैं गेस्ट बेडरूम में। जिसके साथ आपको अटैच वॉशरूम मिलेगा। जो कि 5.9x5.6 का होगा। और ये बेडरूम का डायमेंशन 10.8x11.5 है। इसी के साथ आपको एक ब्यूटीफुल नज़ारा आपको दिखेगा। और पीछे स्लाइडिंग डोर ही दिए हैं। काफ़ी टफ एंड क्वालिटी के हैं, फिनिस्टा कंपनी के स्लाइडिंग डोर्स हैं, बहुत ही क्वालिटी मटेरियल है ये। और व्यू की तो मुझे बात ही नहीं करनी, इससे ब्यूटीफुल व्यू आपको कहीं नहीं मिलेगा। सो चलिए हम अपना ऊपर का फ्लोर चेकआउट करते हैं। मुझे ये एल शेप स्टेयरकेस बहुत ही पसंद आई है, ये काफी ब्यूटीफुली इन्होंने डिजाइन की है,
और मैं अगर खुद के घर पे अगर कुछ ऐसा कुछ बनाना चाहूँगा तो ये स्टेयरकेस पक्का ज़रूर रहेगी। सो चलिए हम ऊपर के दोनों बेडरूम चेकआउट करते हैं। जैसे ही आप ऊपर आते हैं तो आपको 8.4x5.6 का एक लॉबी मिलेगा और साथ ही में उसके सामने ही आपको दो अपोजिट में डोर्स दिखेंगे जो कि दोनों बेडरूम के डोर्स रहेंगे। सबसे पहले हम ये वाला बेडरूम चेकआउट कर लेते हैं। ये 12x13.8 का बेडरूम है, काफ़ी स्पेशियस बेडरूम है, साथ ही में इसके साथ अटैच बालकनी है। सो इसके मास्टर बेडरूम के गैलरी से आपको ऐसा पूरा का पूरा ग्रीनरी दिखेगा और साथ में वारीवाना का एक ब्यूटीफुल नज़ारा दिखेगा। जो भी लोग नेचर को पसंद करते हैं उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया जगह है, बिकॉज़ यहाँ पे आपको आजू बाजू पीस, कंफर्ट और बिल्कुल सुकून मिलेगा। साथ ही में आपको इसके साथ एक ड्रेसिंग रूम मिलेगा जो कि 8.4x5.2 का है, और जहाँ पे ड्रेसिंग रूम ख़त्म होता है वहाँ पे ही आपको यहाँ पे इसका अटैच आपको मास्टर टॉयलेट दिखेगा। चेकआउट कीजिए। इसका मास्टर टॉयलेट 8.4x5.1 का है। चलिए अब हम मास्टर बेडरूम चेकआउट करते हैं। मास्टर बेडरूम की ये खासियत है कि इसे वुडन फ्लोरिंग दी गई है, साथ में ही इसका डायमेंशन बहुत ही बड़ा है और काफ़ी स्पेशियस है। ये 14.3x14.8 है और साथ ही में इसको एक ब्यूटीफुल नज़ारा है, अगर आप देख सकें तो काफ़ी खूबसूरत नज़ारा यहाँ से आपको दिखेगा दूसरी विलास का। आप यहाँ के कोई भी बेडरूम से बाहर देखोगे तो आपको एक ब्यूटीफुल नज़ारा या फिर ग्रीनरी ही दिखेंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं अगर मैंने ये भी ओपन किया तो आपको ग्रीनरी ही दिखेंगी या फिर ब्यूटीफुल विलास का ही नज़ारा दिखेगा, जो कि यहाँ की सबसे खास बात है। सो चलिए ये मास्टर ड्रेसिंग चेकआउट करते हैं जो कि 7.4x5.7 का है, और उसी के साथ अटैच मास्टर टॉयलेट जो कि 7.4x8.7 का है। और ये वार्डरोब स्पेस अलग से। सो चलिए अभी इस स्पाइरल स्टेयरकेस से हम टेरेस पे जाते हैं। सो यहाँ पे टेरेस लॉबी प्रोवाइड की है 3.8x4.9 की, और उसी के साथ ये पूरा का पूरा ओपन टेरेस आपको मिलता है। यहाँ पे आपकी जो इच्छा है वो आप यहाँ पे बना सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे प्राइवेट बार बनाना है या फिर सिटिंग एरिया बनाना है या फिर आपको कोई हैंगिंग चीज़ें रखनी है, गार्डन बनाना है, जो भी अगर आपकी कोई और भी हॉबी हो वो भी आप यहाँ पे बना सकते हो। यहाँ पे वो सब चीज़ें आप कर सकते हो, ये आपकी ही पूरी स्पेस है। और यहाँ से आपको खूबसूरत नज़ारा भी दिखेगा पूरे के पूरे पहाड़ों का, पूरे के पूरे हिल्स का, यहाँ के और ग्रीनरी का।